सिंहस्थ 2028 के पहले उज्जैन की शिप्रा नदी को निर्मल और अविरल बनाया जाएगा। हर 12 वर्ष में होने वाले इस महाकुंभ में प्रत्येक शाही स्नान केवल शिप्रा जल से होगा। इसकी तैयारी आरंभ कर दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाया कि शिप्रा का जल आचमन योग्य नहीं रह गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा में डुबकी भी लगाई और तैरकर बता दिया कि मोक्षदायिनी शिप्रा का जल स्वच्छ है। अब मुख्यमंत्री इस तैयारी में है कि सिंहस्थ 2028 से पहले मां शिप्रा के प्रवाह को अविरल और निर्मल बना दिया जाए। सिंहस्थ 2016 में नर्मदा जल को शिप्रा में डालकर शाही स्नान के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कई साधु और संत इससे नाराज थे। यही वजह है कि अब शिप्रा जल से ही सिंहस्थ स्नान होगा। 20 मई को मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, जिसमें इसके लिए कान्ह नदी सहित शिप्रा की सहायक नदियां साफ की जाएंगी और इनका पानी शुद्ध किया जाएगा। ये पीने योग्य पानी आचमन करने योग्य पानी है, मैं बताना चाहता हूँ। ये पीने योग्य पानी है कलेक्टर साहब, मैं निर्वाचन आयोग से शिकायत करूंगा, ये पीने योग्य पानी है। ये भाजपा का ये शासन है, 300-400 करोड़ खर्च करने के बाद ये स्थिति मां शिप्रा मां की। आज पूरे विश्व के लोग भगवान ने अमृत मंथन के समय